हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस, जो कि आज हमारे जनरली प्लेसमेंट्स के जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं वो उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज हमारे पास चार क्वेश्चन है और चारों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उनका कोड भी देखेंगे कि कैसे कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अपडेटेड स्ट्रिंग। सो पहले क्वेश्चन देखते हैं। गिवन अ टू स्ट्रिंग S1 एंड S2, ठीक है, हमारे पास ये S1 आ गया एंड ये S2 आ गया, ठीक है, हमें पता है। डिलीट S2, डिलीट फ्रॉम S2 ऑल दोज करेक्टर्स विच अकर इन S1, कि मतलब जो हमारे S1 में करेक्टर अकर हो रहे हैं वो हमको S2 से डिलीट करने हैं। ओके, ईजी लग रहा है। एंड ऑल्सो फाइनली क्रिएट अ क्लीन S2 विद द रेलिवेंट करेक्टर डिलीटेड। सो ये बोल रहे हैं कि हमको एक फ्रेश S2 प्रिंट करवाना है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट हों वो एक तरह से फॉर्मेटेड होने चाहिए, जैसे कि यहाँ से मैंने B हटा दिया, ठीक है, तो A सी रह गया, तो ऐसे होने चाहिए विदाउट यूजिंग इन बिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन। कि स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब ये है कि आप इसको स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ करके, स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग में, लाइक स्ट्रिंग कॉपी हो गया, इरेज हो गया, क्लियर हो गया और बहुत सारे होते हैं। सो स्ट्रिंग बिगिन और एंड, एक होता है फ्रंट, एक होता है बैक, आप ये भी यूज़ नहीं कर सकते हम। सो STL के जितने भी फंक्शन है या फिर स्ट्रिंग के बीच में जितने भी फंक्शन है हम वो यूज़ नहीं कर सकते, हमको पता चल गया, ठीक है। सो अब इसका अप्रोच क्या होगा, हम क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शन, सो देखते हैं इसका अप्रोच क्या बनेगा। सो पहले मैं एक पेंसिल रख लेता हूँ। सो हाँ, ये हमारा S1 है, ठीक है, और हमें कंपेयर करना है अपने S1 से। फिर हम एक लूप लगाएंगे जो कि हमारा S1 के लिए होगा। पहले वो लूप चलेगा 0 से लेके <3 तक, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो S1 है उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो वो <3 तक चलेगा, मतलब कि 0 1 2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास B है, सबसे पहले B को कंपेयर करेगा ये पूरे स्ट्रिंग से, ठीक है, ये दूसरे लूप में आएगा जो कि ट्राइवर्स करेगा, मतलब कि हमको सर्चिंग ही करनी है एक तरह से, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये पूरा ट्राइवर्स होगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं। चलो हम पहले फर्स्ट चेक करेंगे कि क्या S1 का 0 एलिमेंट S2 के 0 के बराबर है, नहीं, तो हम S2 को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। S2 यहाँ पे आ गया अभी B पे, क्या ये बराबर है, हाँ ये बराबर है। सो मैं क्या करूँगा कि S2 के जो I में वैल्यू पड़ी होगी उसको मैं नल कर दूंगा। नल करने के भी मेरे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो मैं नल करेक्टर यूज़ कर सकता हूँ या तो फिर मैं NULL लिख सकता हूँ, दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं और कहीं B है, हाँ ये मिल गया एक और B, चलो इसको भी नल कर दिया। फिर आगे चलते हैं, फिर नहीं, B नहीं मेरे को मिल रहा, तो चलो हमने B का कर दिया। फिर ये जो S1 है वो प्लस प्लस होगा और S1 आ गया अब 1 पे। ओके, सो अब हमें पता है कि S1 है जो हमारा 1 पे आ गया है, तो अब ये वाला अब जा चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हम D को कंपेयर करेंगे इन सब से। सो पहले चेक करेंगे ABC में से नहीं है, तो फिर उसके बाद BCD, ओ वी गॉट अ डी, तो इसको नल कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस हो गया, फिर से डी मिल गया, इसको भी नल कर दिया। फिर आगे गए हम, और एक बात कि इसमें दो अप्रोचेज होते हैं, अगर तो हम करेक्टर एरे ऑफ करेक्टर लेंगे तो उसमें हमको प्लस प्लस करना पड़ता है, मतलब कि ये जो लोकेशन पे है बाकियों को, अगर मान लो मैं यहाँ से बी को हटा रहा हूँ तो सी यहाँ रह गया, बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, स्पेस हो सकता है, ठीक है, तो इसको हमने माइनस माइनस करना होगा सी को या फिर ए को प्लस प्लस करना होगा। सो उस कंडीशन में स्ट्रिंग में क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग में हम जब किसी को नल नल बना देते हैं तो वो हमारे जो कंसोल होता है उस पे शो नहीं होता। सो आप मान सकते हो, सो फॉर सपोज कि अगर हम 6 साइज का स्ट्रिंग लेते हैं, सो उसमें आप डालते कितना हो, 5, तो हाँ, तो -1 किधर गया इसमें से बचा हुआ, तो इसमें से बचा हुआ 1 वही है स्ट्रिंग, हम उसी को कहते हैं जिसके लास्ट में नल करेक्टर होता है। अगर ये नल करेक्टर नहीं होगा तो ये स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, तो ये करेक्टर ऑफ एरे कहलाएगा, या एरे ऑफ करेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको समझ आ गई कि अगर मतलब वो नल हो गया सो ऑब्वियसली वो शो नहीं होगा हमारे कंसोल पे या फिर आउटपुट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो चलो यार इसकी कोडिंग देखते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे करना है इसको। तो अभी हम आ गए हैं अपने स्ट्रिंग वाले फंक्शन में जो कि हमने अभी देखा था। तो
हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी स्ट्रिंग नेम से, ठीक है। और आपको अगर कोई आप 16 बिट कंपाइलर 16 बिट IDE यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉट एच लिखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट मैं यहाँ 32 बिट और 64 बिट प्रोफेशनल IDE यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा कोड। तो ये मैंने मेन में ही कोड बना लिया था, फंक्शन ही बनाया था क्योंकि हमको यहाँ पे डायनेमिक्स तो करना नहीं था कुछ। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग मैंने डिक्लेयर करा दिया BDF जैसा ही उस क्वेश्चन में दिया था। आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं एक तरफ, अगर पीछे जाके देखना हो तो यही सेम इनपुट थी, हमें S1 S2 लिया हुआ है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, हमारा हमने लूप लगाया जो कि i < 3 तक चलेगा। मैंने आपको बताया था कि i पहले 0, 1, 2 3 तक चलेगा, मतलब ये 0 एलिमेंट है, ये S1 का 0 एलिमेंट है, ये S1 का 1 एलिमेंट है, ये 2 है, ठीक है। और जे चलेगा हमारा < 15 तक, क्योंकि ये टोटल 15 ही है। ऑब्वियसली हम वाइट करेक्टर को भी गिनते हैं, वो भी एक करेक्टर में आता है, वाइट स्पेस इसको कहते हैं, तो वाइट स्पेस भी एक तरह का स्ट्रिंग में आ जाता है। तो चलो हम इसको 15 तक चलाएंगे, < 15। और उसके बाद क्या होगा, मैं चेक करूँगा कि अगर S1i मतलब कि S1 का 0 इक्वल टू, मतलब अगर तो S2 के J के बराबर है तो J किधर है, J की वैल्यू भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी पहले, हाँ, तो ये इसके बराबर है नहीं, तो ये बाहर निकल जाएगा इस स्टेटमेंट के, तो फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा J। अभी हमारे पास I 0 है, J 1 है, ठीक है, हमको पता है, तो J 1 है। अभी 0 क्या हमारे 1 के बराबर है, हाँ यार 1 के बराबर है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो ये जो S2 J को नल कर देगा। तो बिल्कुल सिंपल कोड है यार, मेरे को लगता है ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो इसको आप रिवाइंड करके एक बार दोबारा से सुन सकते हैं। तो इसकी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार यार। तो यार मेरे को जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो चलो यार चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है यार ये, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं हम, देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको सारे बता रहा हूँ ये ऑलरेडी प्लेसमेंट्स में आए हुए हैं पिछले सालों में, टेक्निकल इंटरव्यू में, लाइक वीप्रो जैसी कंपनी में। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में क्या है। राइट ए रिकर्सिव फंक्शन दैट कैन फाइंड द प्राइम नंबर नेक्स्ट टू एनी नंबर, मतलब हमें एन प्रोवाइडेड होगा, एन कुछ भी हो सकता है हमारी इनपुट, तो हमें उससे अगला प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है यार कोई बात नहीं ढूंढेंगे। और एग्जांपल दिया है हमें यहाँ पे, इफ़ यूज़र प्रोवाइड्स 44 एज इनपुट नंबर n, तो द फंक्शन शुड रिटर्न 47, ठीक है। 44 कोई प्राइम नंबर नहीं है, बट वो नियर जिसके है हमको वो रिटर्न करना है, कोई बात नहीं, दिस इज इजी। सो हमको रिटर्न करना है 47। अब मैंने यहाँ पे यार ग्रेटर देन 10, हाँ एक बात ध्यान रखना, हम ये जो फंक्शन बना रहे हैं वो 10 से ग्रेटर होना चाहिए तभी वर्क करेगा। तो ऑब्वियसली मैं उसमें ऐसी कंडीशंस लगा रहा हूँ कि जो 10 से ऊपर होंगे नंबर उसमें चलेगा, बट हमारी ये कंडीशन और दूसरी कंडीशन जो भी होंगी उन पे चलेगा, आपको एग्जांपल के तौर पे हम दिखाएंगे। एज दिस इज द क्लोजेस्ट नेक्स्ट प्राइम नंबर ऑफ 44, तो ये कह रहे हैं कि यार 44 के सबसे करीब अगला नंबर है जो 47 ही है, ठीक है यार बिल्कुल सही। तो अब क्या होगा, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 15 दे दिया n की जगह, n इक्वल टू 15 कर दिया, ठीक है। अब मेरे को जो है अपना प्राइम नंबर मिलना चाहिए 70। तो यार प्राइम नंबर के लिए ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं तो वो हमें समझ के रखने पड़ते हैं, तो मैं प्री रिक्विजिट बता देता हूँ इसकी जो ज़रूरत है हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कि जो हमारा प्राइम मतलब नंबर है वो डिवाइडेड बाय, मतलब जब हम उसका, अगर हमारा n है तो n रिमाइंडर 2 इज नॉट का साइन है ये, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो 5 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए, वो 7 से भी नहीं होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशंस हमारी ट्रू हो रही हैं तो ही हमारा नंबर है जो वो नेक्स्ट नंबर प्राइम माना जाएगा, ठीक है। अब मैं 15 को देखता हूँ यार एग्जांपल लेके, तो 15 मेरा 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा एक, तो रिमाइंडर को हमको 2 चाहिए, तो ठीक है यार। तो अब हम चलेंगे 16 की तरफ, तो 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ बट हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड ना होता हो, मतलब जिनका रिमाइंडर 0 से ज़्यादा आएगा, कि मतलब अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको
तीन से, तो इसका रिमाइंडर तो जीरो आ रहा है यार, हमारा तो नॉट इक्वल टू होना चाहिए तभी तो कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है तो हम 15 नहीं ले सकते, 16 पे मूव करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा ये एक तरह से। तो 16 नंबर देखते हैं, तो ये तो 2 से डिवाइडेड हो रहा है यार, 3 से भी डिवाइडेड हो रहा है, तो नहीं इसको नहीं ले सकते हम। ठीक है फिर आई प्लस प्लस करा हमने, देखा 17, ओके 17, ना तो ये 3 पे डिविजिबल है, ना तो ये 2 पे डिविजिबल है, ना तो ये 7 पे है, ना 5 पे है। ओके वी गॉट अवर नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि क्लोजेस्ट है, तो हाँ 17 क्लोजेस्ट है यार हमारा, और नेक्स्ट प्राइम नंबर भी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा टिप है आप सबके लिए कि आप अगर ये सारी सीरीज देखोगे ना, तो इसमें जितने भी नंबर मतलब प्लस हो रहे हैं, जैसे कि 79 के बाद 83 आ गया, तो टोटल 4 प्लस हुए, तो इसमें टोटल डिफरेंस है जो मैक्सिमम 6 का है यहाँ तक। ठीक है तो हमें पता चल गया कि ये मैक्सिमम 6 का है, तो हम 6 ही लेंगे अपना आई, जो फोर लूप चलाएंगे वो हम 6 तक ही लेंगे। तो इसके लिए रिकर्जन फंक्शन देखते हैं यार हमने क्या कोड किया, फिर उसको समझते हैं। तो चलो यार अब हम आ गए अपने नेक्स्ट प्राइम वाले कोड की तरफ, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है, एक लाइब्रेरी ले ली हमने, और हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने क्योंकि उन्होंने बोला था कि रिकर्जिव फंक्शन की ज़रूरत है। ठीक है हमने रिकर्जिव बना लिया, और रिकर्जिव के लिए हमें इंटीजर मतलब फंक्शन बनाना पड़ता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हमें रिटर्न करना होता है, मतलब हमें कॉल करनी होती है उसी फंक्शन को, उसी फंक्शन के अंदर, मतलब ये फंक्शन को अगर कॉल कर रहा है तो आप एक बार रिकर्जन का टॉपिक समझ सकते हैं अगर आपको इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कि जो रिकर्जन में होता है कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है अपने फंक्शन के अंदर, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिकर्शन। तो ये एक तरह से लूप की तरह ही वर्क करती है, बट ये लूप से थोड़ा ईजी होती है ऐसा माना जाता है। तो अब हम देखते हैं यार कोड को। यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट नम डिक्लेयर करा दिया ताकि मेरे को पता चले यार कि मैं जो प्लस प्लस कर रहा हूँ वो नंबर उससे ग्रेटर भी हो रहा है नहीं। ठीक है तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर नम है जो हमारा जो फर्स्ट नम से इक्वल टू और ग्रेटर देन है, कि मतलब बड़ा ही नंबर चाहिए ना यार मेरे को, नेक्स्ट ही होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि जैसे मैं 43 पास कर दूँ तो वही प्रिंट हो जाए, वो तो नहीं हो सकता ना यार। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट नंबर देखने के लिए इसको कंडीशन को लगाया। ठीक है तो अब मैंने आपको जैसे बताया था कि वो नंबर है जो हमारा उसका रिमाइंडर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब वो टू का मल्टीप्लाई मतलब टू से डिवाइड नहीं होना चाहिए कंप्लीट, ना तो वो थ्री से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ना तो वो फाइव से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, और ना तो सेवन से। तो इसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे यार, अगर एंड यूज़ करेंगे मतलब ये सब जो कंडीशन हैं वो राइट होंगी या ट्रू होंगी तो ही हमारा सी आउट होगा नंबर, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है यार सो एल्स क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट प्राइम है वो फॉल हो जाएगा। ठीक है हमें पता चल गया कि क्या हो रहा है फंक्शन में, और नम प्लस वन चला जाएगा इसके पास। मान लो यहाँ पे मैं 43 या 44 ही कर देता हूँ उसी के हिसाब से जैसा हमारे पास क्वेश्चन में था कि 44 हमें इनपुट देनी है और 47 हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पे 44 करूँगा मैं, और 44 यहाँ पे यार नहीं जाएगा इफ में, तो एल्स में आ जाएगा, तो 44 प्लस 1 इक्वल टू 45। तो ऐसे करते करते हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा मतलब कि 47। और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की है इंटरनेट मेन में, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं यार, फिर देखते हैं थोड़े से टेक्स्ट केसेस चला के। तो ये जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो हम 44 देते हैं नंबर जो उसमें था। ठीक है यार मेरे को मिल गई मेरी 47 आउटपुट जो कि हमारा सक्सेसफुल है। तो ठीक है इसको दोबारा से एक बार करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सपोज डालता हूँ 31, तो 31 तो ऑलरेडी यार है क्लोजेस्ट, तो उसको मेरे को 31 ही मिला है। तो चलो हम कोई और देखते हैं, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 26, तो 36 डालती हूँ, यहाँ पे डालते हैं 26, तो 26 के 26, तो यहाँ पे 26 के नियर है 29। तो हमें पता चल गया है 29 भी हमारा है जो वो प्राइम नंबर है, जो ना कि 2 से डिवाइड होगा, ना कि 3 से होगा, ना 5 से, ना ही 7 से। ठीक है यार तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब चलो यार चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा पैटर्न से रिलेटेड है। अब पैटर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हाफ पिरामिड हो गया, और बटरफ्लाई पैटर्न हो गया, और हमारा पिरामिड हो गया, ये डायमंड पैटर्न है हमारा। तो ये डायमंड पैटर्न के क्वेश्चन है जो अक्सर टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट से लग जाते हैं यार एक काफ़ी बार। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम पैटर्न कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कंसोल पे या फिर आउटपुट पे। तो हमें ये पैटर्न बनाना है, तो बेसिकली इसमें क्या ज़रूरत है हमको, जो हमारा जे होगा या जो आई हम मान रहे हैं फर्स्ट लूप को,
और जे हम मान रहे हैं सेकेंड लूप को। तो हमारा फर्स्ट लूप है वो एन तक चलेगा, या फिर हम कह सकते हैं हाँ जो आई है हमारा वो एन तक चलेगा, एन मतलब कि हमारा फाइव तक, यहाँ पे फाइव है हमारा एन, सो आई हमारा फाइव तक चलेगा, मतलब कि जीरो से लेके फोर तक। ओके सो फिर उसके अंदर एक लूप है यार, आई के अंदर एक लूप है एन, ओ सॉरी जे, सो जो जे होगा हमारा वो एन से लेके ग्रेटर देन आई तक चलेगा एंड जे माइनस माइनस होता रहेगा। ओके सो ये लूप हमने क्यों लगाया यार, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लूप बेसिकली लगाया है हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कराने के लिए। ओके सो अब आप कहोगे यार स्पेस प्रिंट क्यों करा रहे हैं हम। सो अगर हम स्पेस प्रिंट नहीं कराएंगे तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा, ये राइट हाफ पिरामिड की तरह। हाँ तो हम स्पेस इसीलिए प्रिंट करवा रहे हैं ताकि ये हमारा डायमंड आए। सो एक और चीज़ यार, हमें अपनी ये हाफ प्रॉब्लम सोल्व करनी है, मतलब कि ये हाफ डायमंड बनाना है, और उसके नीचे वाला तो हम उस कोड को थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया। सो ये एन से होगा, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो स्पेस है वो एन के इक्वल है, मतलब कि एन हमारा फाइव है तो फाइव स्पेसेस, फिर हमारा जो फोर स्पेसेस, और तब तक चलेगा ये जब तक ये ग्रेटर देन आई नहीं हो जाता। ओके सो ये भी समझ लेते हैं यार, मान लो हमारा आई ज़ीरो है, ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये मैक्सिमम वन तक एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे यहाँ पे जो है वो फोर स्पेसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बार जो है आई प्लस प्लस हो रहा है, सो आई हमारा वन हो गया, तो ये फाइव से लेके वन तक चलेगा, मतलब कि तीन स्पेस ऐड होंगे। ठीक है यार, तो यहाँ पे हमारे स्पेस कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा आई बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन हुए, यहाँ पे दो हुए, यहाँ पे एक स्पेस हुआ, और यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, ये तो स्पेस हमने ऐड कर ली, अब हम देखते हैं कि स्टार कैसे ऐड करेंगे। तो स्टार के लिए एक और फोर लूप लगाया यार हमने, कि जो कि लगाया के, सो के हमारा चलेगा ज़ीरो से लेके के लेस देन इक्वल टू आई तक। ओके ये भी देखते हैं यार, अब हमारा जब आई ज़ीरो है सो के कब तक चलेगा हमारा लेस देन इक्वल टू आई, तो ये भी हमारा इक्वल टू आई तक तो चलेगा, लेस देन तो नहीं है बट ये दोनों इक्वल है, तो एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है यार, तो अब हमारा k प्लस प्लस होगा। ठीक है, और k प्लस प्लस हमारा k तो हो गया वन। ठीक है, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू ज़ीरो तक चलेगा। ठीक है, तो पहले हमारा फर्स्ट और यहाँ पे ज़ीरो आ गया, वन ज़ीरो। ठीक है, तो उसके बाद हमने देख लिया यार, फिर यहाँ पे हमारा बढ़ता जाएगा, हाई हमारा इंक्रीज होता जाएगा, और वो चलेगा हमारा i तक। तो यहाँ पे i भी हमारा हो रहा है, i भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, सो यहाँ पे i भी आ जाएगा यार, हमको पता है पहले ये प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ये न्यू लाइन आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे न्यू लाइन आएगी, तो यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट होंगे अगले, फिर जो है हमारे दो स्टार्स प्रिंट होंगे, फिर जो है एक एंड लाइन होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो रहे होंगे, फिर यहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे होंगे, फिर एंड लाइन होगी यहाँ पे फोर। तो इसको हम अब कोड से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। चलो हम कोड, तो अब हम आ चुके हैं अपने डायमंड पैटर्न की तरफ। तो डायमंड पैटर्न की तरफ ये हमारे पास है, इसमें हमें एक ही लाइब्रेरी यूज़ करनी है और कोई नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने फंक्शन बनाया है ताकि हम इसको भी एक तरह से रीयूजेबल बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया यार, तो उसमें मैंने एन की वैल्यू दी है। ठीक है, मैंने पहला फोर लूप लगाया, और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पहले इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये हमारा वही ऊपर वाला है जो मैंने हाफ डायमंड आपको दिखाया था, ये हाफ डायमंड का कोड है, उसके बाद हम ये नीचे वाले हाफ डायमंड का कोड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऊपर वाला हाफ डायमंड कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे i इक्वल टू ज़ीरो है, i लेस देन n तक चलेगा, ये हमें पता है कि ज़ीरो से लेकर लेस देन फाइव तक चलेगा, मतलब ज़ीरो से फोर तक। ठीक है, तो j हमारा n है, मान लो हमने मान लिया फाइव, तो ये चलेगा यार हमारा i तक, तो i अगर ज़ीरो है तो ये 5 से लेके 0 तक चल रहा होगा, i अगर हमारा 1 है तो ये 5 से लेके 1 तक चल रहा होगा ग्रेटर देन। ठीक है, जो इज ग्रेटर देन i तक, फिर इसकी वैल्यू है जो डिक्रीज होती होगी। ठीक है, और वहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहे होंगे, मैंने आपको स्पेस के बारे में बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कोड में। और उसके बाद हम आते हैं k की तरफ, सो k इक्वल टू 0, k हमारा 0 से चलेगा, और कब तक चलेगा, कब तक हमें यार ये प्रिंट करवाने हैं अपने जो स्टार है, सो वो प्रिंट करवाने हैं हमने लेस देन इक्वल टू आई तक। मान लो यहाँ पे आई हमारा ज़ीरो होगा,
सो वो इक्वल टू आई के है, तो एक एक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा एंडल हो गया, ठीक है, क्योंकि तो हमने यहाँ पे एक बार तो आइट्रेशन चला दी ना यार, तो यहाँ पे एंड लाइन में गया, फिर ये दोबारा से लूप स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी जो आई की वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, अभी ये लेस देन 1 तक चलेगा। अब हमारा 0 है, वो चलेगा हमारा 1 तक। तो अब हम देखते हैं यार कि अभी हमारा 0 और 1 हमारे दो प्रिंट हो गए हैं लेस देन इक्वल टू तक, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ तक प्रिंट होगा, और ऐसे हमारा लूप चलता रहेगा और हमारे पास एक शेप आ जाएगी जो हमने चाहिए थी, ठीक है यार। और उसके बाद हम इसका नीचे वाला बना लेंगे, नीचे वाले में चेंजेस क्या करने हैं हमने, जो लोअर डायमंड हमने क्रिएट करना है अपना, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे एन से, और वो चलेगा ग्रेटर देन 0। सो ये नॉर्मल है, अगर आप फोर लूप जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आपको अगर स्टार्टिंग से एंड तक चलाना है तो कैसे लूप वर्क करता है, और एंड से लेके स्टार्टिंग तक चलाना है तो कैसे वर्क करता है। सो वही चीज़ है यार यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, तो पूरा लूप को हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हमारा एन था और यहाँ पे हम 0 कर देंगे, एंड ये एन प्लस 1 माइनस आई तक चलेगा, जो हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा होगा नीचे उसका क्या मतलब है यार देख लेते हैं। एन तो हमारा 5 है, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 होता है, और 6 माइनस आई, 6 माइनस आई अगर हम देखें, सो आई इक्वल टू एन है, तो 6 माइनस 5 हम कह सकते हैं कि एक स्पेस प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर हमारी आई की वैल्यू इन डिक्रीमेंट हो रही होगी, तो ये जो हमारा आई है वो डिक्रीमेंट होके बन जाएगा 4, सो 4 प्लस 1, सो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1, 5, क्योंकि हमारा जो एन है वो तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, जो हमारा हाई है, जो हमारा आई है वो डिक्रीमेंट हो रहा है, जबकि एन हमारा है जो कांस्टेंट ही रहेगा। सो एन 5 प्लस 1 हो गया हमारा 6, सो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो ये ऐसे हो रहा होगा यार 1, 2, 3 और उसके बाद 4, ऐसे स्पेस प्रिंट हो रहे हैं ये हमारे, ठीक है, लोअर के लिए। सो फिर उसके बाद आ जाता है हमारा स्टार प्रिंटिंग, स्टार प्रिंटिंग हमारा 0 से चलेगा आई माइनस 1 तक, ओके। सो आई माइनस 1 का मतलब है कि अगर तो हमारा आई 5 है, सो ये चलेगा 4 तक, ओके। सो हमें पता चल गया यार कि आई माइनस 1 जो फर्स्ट में हमारा है, सो वो 4 प्रिंट हो रहे होंगे, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये काफ़ी ईजी था, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तो आपको ये ईजी लगने लगेगा। तो चलते हैं यार अब हम हमारे फाइनल क्वेश्चन की, एंड यार अभी स्कोर को जो है एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि डायमंड पैटर्न हमारा कैसे बनेगा। तो चलो देखते हैं यार, अब हम यहाँ पे डालते हैं 5, तो ये हमारा कितना प्यारा डायमंड पैटर्न बन गया देख सकते हो। तो इसको चलो हम कोई और वैल्यूज दे के ट्राई करते हैं, लाइक हम कोई बड़ी वैल्यू देते हैं इस बार, 10 दे के देखते हैं। तो ये हमारा 10 का डायमंड पैटर्न आया गया यार। अब हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारा इनपुट है वो n लेने पे भी n टाइम्स तक बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। और हाँ यार एक बात ध्यान रखना कि नंबर वाले में या चाहे इस क्वेश्चन में आपको इसके बाद एक स्पेस प्रिंट करना है छोटा सा, ताकि इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस आ जाए, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे इसके बीच में एक स्पेस है, तो यही स्पेस ऐड कर देना यार, अच्छा लगेगा थोड़ा सा ऐसे देखने में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 पे आ गए यार हम, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है जो प्लेसमेंट के लिए है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं यार कि इस क्वेश्चन में क्या है, वही है कि हमारे पास n इनपुट होगी, मतलब ये n कुछ भी नंबर हो सकता है हमारा, एंड देन हमारा i जो चलेगा वो 1 से लेके लेस देन इक्वल टू n तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने i अपना है वो 1 लिया है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, जब हम कोड कर रहे होंगे यार तब आपको पता चल रहा होगा कि हमने i 1 क्यों लिया है, 0 क्यों नहीं लिया इसमें, तो ठीक है पहले यहाँ पे समझते हैं। जो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, तो i हमारा रो वाइज चल रहा होगा, तो अगर आप देखो कि यहाँ n नंबर ऑफ रोज है, मतलब कि n मतलब 5 अगर n है तो यहाँ पे 5 रोज है, ठीक है हमें पता है। तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है आई, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमारी रॉ है जो वो 1 है, तो वो 1 प्रिंट हो रहा है, और ये हमने लूप लगाया है, सो वो लूप में वैल्यू अपडेट होती जाएगी। लाइक हम यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे में कॉलम प्रिंट कर रहे हैं, तो हम या तो ऐसा कर सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा,
कि हम जे को मतलब कॉलम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू रॉ के बराबर होगी, मतलब रॉ हमारी वन है तो पूरी जे में वन 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 ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू है जो टू हो जाती है, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे चला गया यार। तो अब सेकंड कॉलम में जो हमारा है वो पूरी कॉलम में टू प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा आई भी आगे बढ़ता रहेगा, जितना ही हमारा रॉ का नंबर होगा उतने ही हमारे कॉलम में नंबर प्रिंट होंगे। यार हमें पता है कि यहाँ पे हमारा रॉ नंबर थ्री है, सो ऑब्वियसली हमारा थ्री थ्री थ्री, और ये हमारा मतलब आई तक चल रहा होगा कि अगर हमारा पहले वन डिजिट होंगे, फिर हमारे टू होंगे, फिर थ्री होंगे, फिर फोर होंगे, फिर फाइव होंगे फाइनली। और पहले हमें ध्यान देना है इस वाले पोर्शन पे, अगर हमारा ये वाला पोर्शन बन गया, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। तो हाँ यार, इसके लिए हमें स्पेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम स्पेस नहीं यूज़ करते हैं तो ये एक जो वन है वो इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बहुत अलग सा लगेगा। तो इसमें हमको जो स्पेस के लिए हमने लूप यूज़ किया है वो हमने के वाला लूप यूज़ किया है, क्योंकि अभी हम समझते हैं यार हमने ये क्यों यूज़ किया है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, के लेस देन चलेगा हमारा, जो हमारा के है वो लेस देन चलेगा टू मल्टीप्लाई बाय एन, जो एन है हमारा टू मल्टीप्लाई बाय एन कितना होगा यार हमारा 10, तो हम देख लेते हैं 10, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय आई, तो जो हमारा आई है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहली आइटरेशन नहीं देखते हैं, तो 2 माइनस 1 होगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो k है मतलब जो स्पेस है हमारा वो प्रिंट हो रहा होगा फर्स्ट आइटरेशन में 8 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार ये जो स्पेस है वो 8 साइज़ का स्पेस है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारा सेकेंड भी हम एक बार देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे i की वैल्यू होगी अब यहाँ पे 2 होगी होगी, ठीक है। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय n तो 10 ही रहेगा, हमें पता है ये तो कॉन्स्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला n की वैल्यू, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय i, तो i की वैल्यू है अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है हमारी, तो 2 2 4, तो अभी 6 प्रिंट हो रहे होंगे, तो ऐसे डिक्रीमेंट होता जाएगा 8 का, फिर 6 का स्पेसेस, फिर हमारे 4 के स्पेसेस, एंड लास्ट में हमारा 2 का, फिर 0 का, ठीक है। हमें स्पेसेस समझ आ गए, अब हम चलते हैं राइट वाले पार्ट पे जो कि हमने प्रिंट किए हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर मैं इसी को यहाँ पे लगा देता हूँ तो ये जो यहाँ पे 2 आ रहा है इसकी बजाय यहाँ पे 1 आएगा, तो उसके लिए मेरे को अलग से थोड़ा सा अपने आप टेस्ट केसेस करके देखने पड़े, तो मेरे को पता चला कि हाँ यार ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसमें क्या था कि मैंने अपने लूप को चलाया आई से लेके ग्रेटर देन 1 तक, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं यार, अब यहाँ पे हम सेकंड आइटरेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि फर्स्ट में तो 1 ही प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा एल होगा, जो यहाँ पे एल है, तो एल होगा जो हमने इनिशियलाइज किया आई से, सो हाँ हमारा आई यार 2 है, ठीक है, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगा। सो कितनी आइटरेशन होगी, एक तो 2 की होगी और एक हो गया हमारा 1 की, तो हम मान सकते हैं यार पहले तो 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, 2 और 1 प्रिंट हो गया। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर भी यार ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब है 3 2 1। दिस इज सिंपल, बट अगर आप फर्स्ट टाइम करो बिना समझे तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, बट ये अभी ईजी लगने लगा होगा आपको। एंड इसमें भी यार हमको ये देखने वाली बात है कि हर क्वेश्चन में हमको एक लाइन प्रिंट करने के बाद, मतलब एक फोर लूप जब हमारा एंड होने वाला होता है उसके बाद एंड एल जरूर लगाना है, मतलब न्यू लाइन के लिए, ताकि ये न्यू लाइन में चला जाए, नहीं तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। चलो यार अब अपने कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके टेस्ट केसेस यहाँ पे लिख रखे थे ऑलरेडी, ये वाले जो लूप के थे, ये भी आप देख सकते हो एक बार पॉज करके। तो अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया, इसके कोड पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं यार अपने कोड की तरफ, इसको मैंने नाम दिया था हाफ बटरफ्लाई नंबर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हाफ बटरफ्लाई की तरह ही है नंबर, तो जब पैटर्न बनते हैं हमारे बटरफ्लाई पैटर्न भी बनता है। तो अभी हम इसमें आपको बताया था कि पहले हमको लेफ्ट वाले पे ध्यान देना है, फिर राइट वाले पे देना है, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं यार लेफ्ट वाला कौन सा है, इसका मैंने राइट पिरामिड अलग से भी बनाया था, हम इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एक साथ बनाना,
इसीलिए मैंने इसको एक अलग से बना लिया था। ठीक है, हम देखते हैं। पहले आई है जो हमारा वन से लेके एन तक चलेगा, इक्वल टू एन, क्योंकि यार आई मैं इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरे को इसको वैल्यू इनिशियलाइज करानी है और मेरे को वैल्यू प्रिंट भी करानी है। मतलब कि जो मेरा फोर लूप होगा तो उसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है मेरी आई से। अगर आपने देखा हो कि हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वन से, ठीक है, सो इसीलिए मैं इसको वन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ना कि ज़ीरो से। नहीं तो ये ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, ज़ीरो, फिर उसके बाद आएगा हमारा ज़ीरो वन, फिर आएगा ज़ीरो वन टू, ऐसे चलता जाएगा। तो हम ये चाहते नहीं यार, तो इसीलिए हमने वन से स्टार्ट किया इसको, लेस देन एन तक। ठीक है, हमारा ये लूप तो आइट्रेशन लास्ट तक चलता है, फर्स्ट लूप। फिर आएगा हमारा जे लूप, और जे लूप हमारा चल रहा होगा लेस देन इक्वल टू आई तक। तो ठीक है, ये वाला है हमारा जो फर्स्ट वाला हमारा लेफ्ट पिरामिड है, वो हमने काउंटिंग की है प्रिंट उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा कि आई की वैल्यू हमारी टू हो जाएगी और ये चलेगा लेस देन इक्वल टू टू तक। तो पहले वन प्रिंट होगा, फिर उसके बाद टू, तो वन टू, फिर वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री फोर, ऐसे। ठीक है, ये समझ आ गया हमें, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा यार, हमारा हमने ये लूप लगाया है स्पेसिस के लिए। ये हमने डिस्कस किया था कि ये कब तक चलेगा, टू मल्टीप्लाई बाई एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये ध्यान रखना यार, हमें ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले आठ स्पेसिस आएंगे, फिर सिक्स आएंगे, फिर उसके बाद फोर आएंगे। ठीक है, एंड हमने यहाँ पे एक एल लूप लगाया है। एल लूप हमने इसीलिए लगाया है ताकि हम राइट वाले जो अपना हाफ पिरामिड है उसको प्रिंट कर सकें। ठीक है यार, वो कोड ये वाला ही सेम है, लाइक ये वाला लूप है, जो ये वाला ऊपर वाला भी सेम है। तो देख लेते हैं इसमें, जो हमारा आई से स्टार्ट हो रहा होगा और आई ग्रेटर देन वन तक चलेगा, मतलब पहले सेकेंड आइट्रेशन में हमारा आई टू होगा, ठीक है, फिर वो ग्रेटर देन वन तक चलेगा, मतलब टू वन प्रिंट हो रहा होगा, जैसे ऐसे वन, फिर टू वन, फिर होगा हमारा थ्री टू वन, फिर होगा हमारा फोर थ्री टू वन। सो ऐसे प्रिंट हो रहा होगा यार एन तक हमारा। ठीक है, जो कि लूप हमारा एन तक चलेगा, ऑब्वियसली ये लूप एन तक चलेगा तो एक बंद ही हो जाएगा फिर, तो ये डिक्रीज होता रहेगा आई की वैल्यू। और उसके बाद मैंने एंड लाइन लगाई है, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमें लूप के जब हमारा ख़त्म हो रहा होता है उसके पास में लगानी पड़ती है। सो अब यार ये फंक्शन को कॉल करी हुई है मैंने बाय डिफॉल्ट, तो इसको चला के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एन नंबर्स देंगे, तो एन नंबर्स का मतलब है कि मैं फाइव दे देता हूँ। सो देखो यार, मेरा पैटर्न है जो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, वन टू थ्री फोर तो फाइव तक। तो चलो कुछ बड़ा करके देखते हैं, मतलब उसका साइज़ बड़ा करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिक्स दे देते हैं, तो ये सिक्स तक चल गया। तो मतलब हमारा ये डायनेमिक बन गया कि अगर मैं थ्री तक देता हूँ तो ये यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार राइट वाला भी दिखा देता हूँ। तो इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, एंड इसको दिखाते हैं हम राइट पिरामिड क्या था। तो राइट पिरामिड मैंने अलग से बनाया था यार, कि ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड किए थे और जस्ट मैंने इसको टेस्ट केस किया था कि हाँ ये ठीक बन गया। तो ये अकेला बनाया था, तो ऐसे बना सकते हैं आप भी अलग अलग। तो ये स्टार से बनना इजी रहता है, बट ये नंबर से बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यूज प्रिंट करनी है। मतलब कि आई का जितना इंडेक्स होगा वही प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे भी, जे का आई जितना इंडेक्स होगा ये भी वहाँ प्रिंट हो रहा होगा। दैट्स इट, अभी हमने चारों क्वेश्चन हैं जो अपने डिस्कस कर लिए हैं। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट में अपने सजेशन शेयर करना मेरे को, ताकि हम देख सकें कि आपको क्या पसंद है, तो वही हम वीडियो बनाएंगे।